इसकी लाइफ मस्ती, बहुत सा खाना और खूब सारे एडवेंचर्स से भरी है। ये है गुब्बारा, एक नंबर का अड़ियल, मस्तीखोर और शैतान डॉग। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। एक भली एनिमल लवर रिया सैगल जी ने हमें गुब्बारा के बारे में कॉल किया था। उसको मेंज नाम की एक स्किन कंडीशन थी, जिस वजह से उसके सारे बाल झड़ गए थे और उसे बहुत खुजली होती थी। उसके पूरे शरीर पे खुजा खुजा के घाव बन गए थे और मैगेट वुंड्स भी थे। एक मैगेट वुंड उसके पैर पे भी था, जो काफी गहरा था, जिससे उसे चलने में बहुत दिक्कत भी होती थी। बस यही नहीं, वो बहुत ही डरा हुआ भी रहता था। उसकी स्किन कंडीशन ने उसे सुस्त और उदास बना दिया था। ट्रीटमेंट्स के दौरान सबसे पहले उसके मैगेट वुंड साफ किए गए, साथ ही उसे पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स देना भी बहुत ज़रूरी था। उसे रेगुलरली मेडिकेटेड बाथ्स दिए जाते थे ताकि उसकी खुजली कम हो सके और स्किन इन्फेक्शन ठीक हो सके। जब मैं गुब्बारा से पहली बार मिली थी तो उसकी अभी ट्रीटमेंट शुरू ही हुई थी। अब उसे एनरिचमेंट के लिए इतनी जल्दी बाहर निकाला नहीं जा सकता था क्योंकि वो बहुत कमज़ोर था, ज़्यादा चल भी नहीं पाता था। पर जैसे जैसे उसकी ट्रीटमेंट आगे बढ़ी, विद इन 2 मंथ्स उसकी ट्रांसफॉर्मेशन दिखना शुरू हो गई थी। हमने उसको एनरिचमेंट के लिए बाहर ले जाना शुरू कर दिया और तब हमें उसकी पर्सनैलिटी खुल के नज़र आने लगी। तो पहले वो क्योंकि कैनल पे था, कमज़ोर था, अंदर ही रहता था, पर अब वो सम पे जंप करना शुरू हो गया था, बढ़िया तरीके से दौड़ना शुरू हो गया था। और क्योंकि वो खाता भी अब अच्छे से खूब था तो वो गुब्बारे जैसा फूल भी रहा था। हमें उसको ठीक होते देख बहुत खुशी होती थी, पर फिर भी हम गुब्बारा के लिए चिंतित थे। हमारी चिंता का विषय ये था कि ठीक होने के बावजूद भी वो अडॉप्ट नहीं हो पा रहा था। जो भी विजिटर्स फार्म पे आते थे वो उस पर तरस तो खाते थे, पर उसे अडॉप्ट करने की बात कोई नहीं करता था। फिर एक रोज़ यूँ हुआ कि गुब्बारा की अडॉप्शन के लिए हमें वैनकूवर से एक मेल आया। नाओमी, जो हमारे साथ एक वॉलंटियर थी, उन्होंने गुब्बारा की तस्वीरें देखी और वो उसे अडॉप्ट करना चाहती थी। बस फिर क्या था, गुब्बारा ने एक दिन दिल्ली से वैनकूवर की उड़ान भर ली और अपनी न्यू फैमिली के पास फट से पहुंच गया। अब कहने में तो 2 सेकंड लगते हैं कि वो कनाडा चला गया, पर जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया उन्होंने $2,000 खर्च करके उसको बचाया और यहाँ से इसको वैनकूवर लेके गए। अब ऐसा नहीं है कि हमारे देश में लोग जानवरों पर पैसा खर्च करके राजी नहीं है, पर ये वो लोग हैं जो पैसा खर्च करने के बाद आपको जानवर का नाम बताने से पहले उसका दाम बताएंगे। अब भाई, किसी ने दूध के लिए कोई गाय खरीदी है फिर तो समझ में आता है ना भाई, उसके लिए तो गाय जो है दूध देने वाली मशीन है और उसकी जो वैल्यू है वो एक आर्थिक वैल्यू है सिर्फ। पर जो लोग खुद को एनिमल लवर बताते हैं, फिर वो ब्रीडर्स को इतना इतना पैसा दे के कुत्ते खरीद लाते हैं, वो बात थोड़ी मुझे शो ऑफ वाली लगती है, क्योंकि भाई आखिरकार दोस्त बनाए जाते हैं, खरीदे नहीं। गुब्बारा की ट्रांसफॉर्मेशन से लेके एडॉप्शन तक की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। अब गुब्बारा अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है और एक आलीशान जिंदगी जी रहा है। हम्म।